हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑल यूजेस ऑफ देयर। देयर के सारे इस्तेमाल आज हम लोग सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ऑल यूज ऑफ देयर, देयर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं या देखा जाता है कि किसी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में वहाँ शब्द नहीं होता है, फिर भी वहाँ पर देयर का इस्तेमाल करते हैं और किया जाता है, जबकि देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे वहाँ चार पेड़ हैं तो देयर आर फोर ट्रीज। बट अगर हम बिना वहाँ के देयर का इस्तेमाल करें तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस में वहाँ का उच्चारण न भी हुआ हो या वहाँ के बारे में कुछ बोला न भी गया हो तो भी वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक सेंटेंस लिखते हैं कि एक राजा था। ओके, एक राजा था। इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, ए किंग वॉज, फिर उसके बाद इतना तो हो गया, एक राजा था, ए किंग वॉज, तो किंग वॉज हो गया। लेकिन इतना कहने से अधूरा सा लगता है, सेंटेंस पूरा नहीं लगता है। अ किंग वॉज, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम देयर लगा देंगे, देयर, अ किंग वॉज देयर। बट हम ज़्यादातर बोलचाल में इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जब उल्टा इस्तेमाल करते हैं हम इसका ज़्यादातर बोलचाल में, तो देयर वॉज अ किंग, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं तो सम बॉयज, फिर हैं के लिए आर, फिर उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह पर हम देयर लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी पूरा करने के लिए देयर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली हम बना रहे हैं यहाँ पर देयर एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। ओके फ्रेंड्स, हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। सम बॉयज आर देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसको हम अगर देयर को एज अ सब्जेक्ट हम बनाकर इसको सेंटेंस को लिखते हैं तो होगा देयर आर सम बॉयज। ओके फ्रेंड्स, तो इन स्थितियों में देयर का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, सेंटेंस में कहीं भी वहाँ का चर्चा नहीं हुआ है, हिंदी सेंटेंस में वहाँ नहीं है, फिर भी हम इंग्लिश में देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा और बोलने में भी और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक और सेंटेंस लेते हैं, मेरे स्कूल में चार टीचर हैं, मेरे स्कूल में चार टीचर हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं कि फोर टीचर आर, उसके बाद इन माय स्कूल हम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो बेटर होगा। जैसे टीचर्स होगा आर, अब इसके बाद हम देयर लगाते हैं, आर देयर कहाँ पर, तो इन माई स्कूल। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको अगर इंट्रोडक्टरी देयर वाली फार्मूला इस्तेमाल करके बनाते हैं तो फिर यह सेंटेंस ऐसा हो जाएगा कि देयर आर फोर टीचर्स इन माई स्कूल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया देयर का इस्तेमाल, यानी कि देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एज ए मतलब
इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में मैं दो तीन तीन वीडियो डेवलप कर चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित मैंने बनाया था, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कि इंट्रोडक्टरी क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है और देयर का इस्तेमाल हम उसमें कहाँ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी अगर सेंटेंस होगा कि वहाँ चार कुत्ते थे, देयर वर फोर डॉग्स, फिर यहाँ पर वहाँ आया है तो देयर लास्ट में लिखते हैं, फिर से लिखते हैं देयर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि देयर वर फोर डॉग्स हमने बोल दिया, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वहाँ चार कुत्ते थे? हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल सकते हैं, लेकिन ये चूंकि ये ग्रामेटिकल ऐसा बनाया जाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर वर फोर डॉग्स देयर, और काफ़ी बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ चार कुत्ते हैं, देयर वर फोर डॉग्स देयर। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एक पेड़ है, तो देयर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसमें देयर का इस्तेमाल होगा ही होगा, देयर इज अ ट्री, फिर यहाँ के लिए हम लास्ट में हियर लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हियर इज अ ट्री ऐसा हम ज़्यादातर नहीं यूज़ करते, नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं कि देयर इज अ ट्री हियर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक पहला इस्तेमाल देयर का, कि देयर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। अभी हम इन सेंटेंस पर नज़र डालते हैं। इस सेंटेंस को आप ज़रा एक बार पढ़िए ध्यान से, इस सेंटेंस को अभी हम पढ़ते हैं और इस सेंटेंस को ज़रा एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देयर फाइनली आई हैव रिस्ट, इसमें देयर क्यों लगाया गया? फाइनली आई हैव रिस्ट, मैं फाइनली पहुंच गया, मतलब पहुंच गया हूं। फिर देयर का क्या मतलब बनता है, देयर लगाने का क्या मतलब बनता है? हम बोलचाल में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में देयर का इस्तेमाल हम तब करते हैं, उन स्थितियों में करते हैं जब हम किसी काम के पूरा होने पे या ख़त्म होने के बाद हम रिलीफ महसूस करते हैं, आराम यानी कि रिलीफ महसूस करते हैं, कि रिलीफ का एहसास करते हैं, तब हम देयर बोलते हैं कि देयर आई हैव रिस्ट, मीन्स मैं पहुँच गया। चल रहा होगा पैदल, परेशान होगा ढूंढते ढूंढते, इसलिए पहुंचने के बाद ये अपने आप निकलता है कि देयर आई हैव रिस्ट। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आह पहुंच गया, अभी तो पहुंच गया मैं, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसी तरह से हम इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल करते हैं देयर फाइनली आई हैव रिस्ट। यहाँ पर देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, न तो एज अ ऑब्जेक्टिव न एज अ सब्जेक्ट, किसी भी तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट एक रिलीफ का एहसास यहाँ पर प्रकट करा रहा है देयर, इसके लिए हम यहाँ पर देयर की इस्तेमाल करते हैं। ओ देयर एग्जाम आर ओवर, हम बोलते हैं ना ओ देयर एग्जाम आर ओवर, मीन्स एग्जाम खत्म हो गए, पूरे हो गए, तो एक रिलीफ महसूस करते हैं हम। जब भी एग्ज़ाम चल रहा होता है तो हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं परेशानी में होते हैं, टेंस में होते हैं, एग्ज़ाम है, कल गणित का एग्ज़ाम है, परसों इंग्लिश का है, फिर उसके बाद विज्ञान का है, तो ये सब सोच सोच के परेशान होते हैं। फिर जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उस दिन हम रिलीफ महसूस करते हैं और फिर बोलते हैं ओ देयर एग्ज़ाम्स आर ओवर। ओके फ्रेंड्स, अभी देयर ही इज़, किसी को हम ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता और अचानक दिख जाता है, तो अचानक दिख जाता है तो हम बोलते हैं उसको कि देयर ही इज, मीन्स वो रहा, हम उसको बोलते हैं वो रहा, तो वो रहा के लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर ही इज लिखते हैं। जैसे हम किसी सामान को ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता है तो किसी को दिख जाता है तो वो बोलता है ना कि वो रहा, मीन्स हियर इट इज़, ये रहा, हियर इट इज़, वो रहा, तो देयर ही इज, किसी इंसान के बात में कर रहे हैं तो, किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो देयर ही इज, और किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो देयर दैट इज। ओके, अगर नज़दीक की चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हियर इट इज, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखते वक्त अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना,
ताकि एक भी वीडियो मिस किए बगैर आप इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।